तो आज हम मैं आपको गुड़ का प्रोसेस दिखाऊंगा कि गुड़ कैसे निकलता है। आज आपको दिखाता हूँ, ये मैं कोलू पर आया हुआ हूँ, गुड़ के कोलू पे रास्ते में हमें मिल गया था। ये कौन से भाई है? आसिम भाई मुझे प्रोसेस बताओ भाई, गुड़ का आ रहा है मशीन में, ये यहाँ से गन्ने का रस निकल रहा है और ये रस इस पाइप के सहारे से ये यहाँ पर आ रहा है, इसमें ये सब ये देखिए ये निकल रहा है, फिर इसके बाद ये यहाँ से इसमें ट्रांसफर होता है, इसमें निखरता है, यानी कि इसकी सफाई होती है, जो मैल वैल निकलता है इसमें जाता है। ये देखिए आप, ये गुड़ यहाँ पे ऑलरेडी तैयार हो चुका है। ये देखिए गुड़ तैयार हो चुका है, अब ये यहाँ से इधर ट्रांसफर कर रहे हैं। ये इसके अंदर आग जल रही है इसके अंदर। इतनी तेज आंच में ये पकता है, ये बहुत तेज आंच में ये गन्ना कितना बहुत सारा, और ये सारा तैयार गुड़ है यहाँ पर। ये जितने भी हैं यहाँ पे वर्कर्स हैं, शर्मा क्यों रहे हो यार, यहाँ पर है और ये पूरा कोलू है। ये आपका है आसिफ भाई? ये आसिफ भाई का यहाँ पे ये गुड़ का कोलू है। और कितने टाइम से गुड़ का कोलू चल रहा है? ये दो साल से। तो गुड़ की पहचान आप मुझे बताइए कि अच्छा गुड़ और जो मसाले वाला गुड़ आता है उसमें क्या फर्क होता है, कैसे पता लगेगा? मसाले वाले में टेस्ट नहीं होता, टेस्ट नहीं होता। तो ये आपका बिना मसाले का है, वो देखने में अच्छा लगता है। अगर इसमें हम टेस्ट के लिए मूंगफली वगैरह डलवाना चाहे तो यहाँ के डलवा सकते हैं। देसी घी भी है, देसी घी लेकर आया अपना। ये देसी घी भी है और ये मूंगफली का है, मूंगफली ये काजू। और ये देखिए पूरे इसमें बहुत अच्छा गुड़ बनाने के लिए इन्होंने देसी घी, ड्राई फ्रूट वगैरह सबका तैयारी कर रहा हुआ है और ये यहाँ पर इसमें मिला दिया जाता है और एक बहुत अच्छा वाला गुड़ यहाँ पे तैयार हो जाता है। ये गुड़ में इन्होंने मूंगफली मिला दी है। ये था गुड़ का प्रोसेस एंड आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज की ब्लॉगिंग में इतना ही, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।